नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, दुनिया भर में रहने वाले मुस्लिम धर्म के नागरिकों के लिए मक्का मदीना एक पवित्र, ऐतिहासिक और सम्माननीय स्थान है। मक्का मदीना का इतिहास भी उतना ही खास है जितना ये धार्मिक स्थल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाक्य बताना चाहती हूँ, जब साधु को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोका तो क्या हुआ। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। दोस्तों, मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है। इस्लाम के पहले प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म यहीं पर हुआ था। इसके अतिरिक्त ये स्थान व्यापार का भी प्रमुख केंद्र रहा है। विश्व के सभी मुसलमान अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीना की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। मक्का मदीना की धार्मिक यात्रा पर जाने को हज कहा जाता है। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है एक अंतरराष्ट्रीय कथावाचक साधु महाराज जी से, जिनका नाम गोपनीय रखा जाएगा, क्योंकि उस साधु का मानना है कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसीलिए हम साधु का नाम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उनके साथ जो हुआ, उन्होंने जो किया, वो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, ये बात साल 2020 की है, जब साधु महाराज अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में जाकर अपनी कथा किया करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं की स्थिति बहुत ही बुरी है, वहाँ पर हिंदू धर्म वालों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो ये सारी बातें जानकर उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने निश्चय किया कि वो अलग अलग इस्लामी देशों में जाकर वहाँ पर मौजूद थोड़े बहुत जो भी हिंदू लोग हैं उन्हें अपने धर्म के प्रति जगाएंगे, ताकि वो इस्लाम देश में रहने के बावजूद भी एक हिंदू की तरह जिंदगी को जी सके। ठीक उसी तरह जैसे भारत जैसे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। यहाँ पर किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है, लोग अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो फिर हिंदुओं को भी दूसरे देश में जाकर बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ही धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए साधु बाबा ने सभी अलग अलग देशों में जाकर रामायण और महाभारत की कथाएं करी। लेकिन जब वो सऊदी अरब पहुँचे तो उन्हें कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। असल में जब बाबा सऊदी अरबिया पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ हर धर्म का सम्मान किया जाता है। वहाँ पर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर कोई मिलजुल कर रहते हैं। अब अरब का माहौल तो ठीक था, लेकिन तभी उन्हें मक्का के बारे में पता चला, जो साधु बाबा की कथा वाली जगह से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर था। तभी साधु को पता चला कि मक्का मदीना वो जगह है जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है, यानी कि कोई भी गैर मुस्लिम इन जगह पर नहीं जा सकता। हालांकि इन जगह के बारे में जानने के लिए बाबा ने वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ा, जिसमें खास तौर पर ये बताया गया कि काबा में लगे पत्थर, जिसको इस्लाम धर्म के लोग चूमते हैं, वो कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि भगवान शिव का शिवलिंग है। इतिहास की पुस्तक में लिखी इस बात को जब साधु ने जाना, तो ये बात जानकर साधु महाराज को बहुत ही हैरानी हुई और वो सोच में पड़ गए कि जिस स्थान पर हमारा शिवलिंग है, वहाँ हमें ही जाने नहीं दिया जा रहा। उस पुस्तक से पूरा सच जानने के बाद साधु महात्मा मक्का मदीना में मौजूद शिवलिंग को देखने की इच्छा जताने लगे। वो चाहते थे कि मक्का के इस शिवलिंग को वो भी देखे और जाने कि आखिर क्यों यहाँ के लोग गैर मुसलमानों को अंदर नहीं आने देते और इस शिवलिंग को लोग इतना ज्यादा क्यों मानते हैं। और इन्हीं सारी बातों को जानने की जिज्ञासा में साधु महाराज ने सबसे पहले तो एक मुस्लिम शख्स का वेश धारण किया और मक्का मदीना के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब वो मक्का मदीना पहुंचे थे तो कुछ किलोमीटर पहले ही चेकिंग के लिए एक गार्ड ने उनके हाथ पर ओम का निशान देख लिया। इस निशान को देखने के बाद वो गार्ड तुरंत समझ गया कि ये कोई मुसलमान नहीं है, बल्कि एक हिंदू है। इसीलिए उन्हें मक्का मदीना के अंदर जाने से रोक दिया गया। लेकिन साधु महाराज चुपचाप वहाँ से नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक गार्ड से कहा कि यहाँ पर हमारा शिवलिंग मौजूद है, तो फिर तुम हमें अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो। साधु की बात को सुनने के बाद सुरक्षा कर्मी ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, थोड़ी देर तक जांच पड़ताल चली, लेकिन बाद में साधु महाराज को छोड़ दिया गया, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध साधु महात्मा और कथावाचक थे। उन्हें इस तरह से ज्यादा लंबे समय तक गिरफ्तारी में रखना ठीक नहीं था, इसीलिए पुलिस ने उन्हें छोड़।
छोड़ दिया। लेकिन इन सारे चक्करों में वो मक्का मदीना नहीं जा पाए। इसी बात को लेकर उनके मन में हमेशा ही असंतुष्टि बनी रहती थी। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर एक फोटो चारों तरफ फैलने लगी। वायरल होने वाली फोटो में काले पत्थर का एक शिवलिंग नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई ये दावा कर रहा है कि मक्का मदीना में बने काबा के नीचे वाले भाग में शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। और ये फोटो कहती है कि वैदिक साहित्य का इतिहास पुस्तक में शिवलिंग के बारे में जो बातें लिखी थी वो सब 100% सही है। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि काबा का ही एक कोना है, जिसे रुकन अल यामिनी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस काले पत्थर को लेकर बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इस काले पत्थर का राज क्या है और क्यों इसके बारे में इतनी अलग अलग तरह की बातें प्रचलित है। असल में दोस्तों, जब इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोग हज की यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो यहाँ मौजूद काबा में लगे काले पत्थर को चूमना नहीं भूलते। कहा जाता है कि इस काले पत्थर को चूमकर जो कोई भी दुआ मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। ये काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा एक बहुत ही पवित्र पत्थर है और ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम यानी कि आदम और हव्वा के जमाने का है, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। कहा जाता है कि ये काला पत्थर इस्लाम के उदय से पहले से ही पवित्र है। ये भी माना जाता है कि ये पत्थर शुरुआत में पूरा सफेद रंग का था, लेकिन जिस जिसने इस पत्थर को छुआ और उनके पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। हालांकि कई सारे लोगों का ये मानना है कि ये पत्थर शुरुआत से ही काला है। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम धर्म में इस काले पत्थर को किसी भगवान से कम नहीं समझा जाता। दोस्तों बेशर्ते उनके धर्म में भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पत्थर को इतना अहम मानते हैं कि उसे चूमे बिना उनकी हज यात्रा पूरी नहीं होती। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों के लिए पवित्र धर्म स्थल है। इस्लाम को मानने वाले हर एक शख्स के लिए कम से कम जीवन में एक बार हज यात्रा करना बहुत ही जरूरी माना जाता है, बशर्ते उसके पास उसके लिए जीवन में सुविधा हो, यानी कि आर्थिक रूप से उसके पास सुविधाएं हो, उसे मक्का जाने के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े और ना ही उसका पैसा चोरी मक्कारी और धोखे का होना चाहिए, और वो शारीरिक रूप से सक्षम हो। इतना होने पर श्रद्धालु मक्का जाकर अपनी हज यात्रा पूरी कर सकते हैं, जिसमें उन्हें पूरे 5 दिन मक्का में बिताने होते हैं और 5 अलग-अलग दिनों की अलग अलग रस्में निभानी होती हैं। और दोस्तों हज की यात्रा के दौरान इन रस्मों का बहुत ही महत्व भी होता है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से अगर कोई हिंदू काबा के अंदर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, किसी ना किसी तरह से उसे रोक दिया जाता है। लेकिन इन साधु महाराज के अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।